हेलो दोस्तों, मैजिक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल की सब्जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना। ये रेसिपी बनाने में एकदम आसान और हेल्दी होती है। हमने लिया 500 ग्राम चने की दाल। इसको हमने 6 घंटा पहले भिंगो लिया था। हमने लिया है 1 कोटी छीला हुआ लहसुन, थोड़ा सा धनिया, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 7 हरी मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट, बारीक कटी हुई धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर का पेस्ट। सबसे पहले हम मिक्सर जार में दाल डाल देंगे, हरी मिर्च, धनिया के पत्ते, छीले हुए लहसुन, अदरक। अब इसमें 1.5 चम्मच नमक डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। दाल में थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट एकदम स्मूथ होना चाहिए। दाल के पेस्ट को एक बाउल में पलट लेंगे। हमने दाल में 1 चम्मच और नमक डाला है। हमें नमक कम लगा, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, नमक और दाल अच्छी तरह मिल जाए। नमक दाल में अच्छी तरह से मिल गया है। अगर आप चाहें तो इस समय हल्दी भी डाल सकते हैं। पीसी हुई दाल को अब एक साइड रख देंगे। अब हम पानी को उबालने की तैयारी करेंगे। भगोने में हमने 1 लीटर पानी डाला है। पानी को ढककर तेज आंच पर खौलाना है। पानी खौलने लगा है, उसके ऊपर हमने एक थाली रख लिया है। थाली में 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को ब्रश से हर तरफ फैला लेना है। तेल को थाली में हर तरफ से फैला लेना है। तेल कुछ ज़्यादा लग रहा है, इसे हम थोड़ा सा निकाल देंगे। हमने थाली में से तेल कम कर दिया है। अब इसमें पीसी हुई दाल अच्छी तरह से फैला लेना है। इस स्पैचुला से इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। दाल का पेस्ट एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है। पानी खौलने लगा है। अब दाल के पेस्ट को इस पे हम रख देंगे। अब इसको ढककर धीमी आंच पर हम इसको उबलने देंगे। दाल के पेस्ट को हमने बीच बीच में चेक किया है। इस बार दाल का पेस्ट एकदम अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। देखिए, स्टीक में नहीं लग रहा। अब इसे हम ढककर एक साइड रख देंगे। चने का पेस्ट एकदम ठंडा हो चुका है। अब इसका हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे। ठंडे हो जाने पर इसके पीस अच्छी तरह से कट जाते हैं। आप चाहें तो इसे गर्म होने पर भी काट सकते हैं। बैटर ठंडा हो जाने पर काटने से ये थाली से अच्छी तरह से निकल आता है। हमने इसको छोटे छोटे पीस में काटा है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीस में काट सकते हैं। अब इसको डीप फ्राई करके इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं। हमने इसे सरसों के तेल में फ्राई किया है। आप चाहें तो अपने पसंद के तेल में फ्राई कर सकते हैं। तेल गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम एक एक पीस डाल लेंगे। एक तरफ से अच्छी तरह से सीख जाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। इसी तरह हम सारे पीस को पलट लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह सेकने देंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह सीख गए हैं। इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। सारे पीस अच्छी तरह से तल गए हैं। इसे चाय से खाने बहुत अच्छा लगते हैं। चलिए अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने आधा कप के लगभग तेल लिया है। तेल गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम प्याज डाल लेंगे। प्याज को हम तेज आंच पे ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन होने लगे हैं, इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, जलने ना पाए। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनेंगे। इसे कम से कम 1 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। अब सारे मसालों को अच्छी तरह चलाते रहेंगे कुछ देर तक। इस समय इंडक्शन एकदम स्लो कर लेंगे और धीमी आंच पे इसे भूनते रहेंगे। मसाले को बिना पानी डाले कुछ देर तक इसी तरह भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर फिर से चला लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से इसी तरह भूनना है।
जब तक तेल न छोड़ दे। मसाला तेल छोड़ने लगा है, अब इसे ढककर हम फिर से भून लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर मसाले को चलाते रहेंगे, मसाला लगने न पाए। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, इसे एक बार और चला लेंगे। अब मसाले में टमाटर का पेस्ट और नमक डालकर इसे अच्छी तरह चला लेना है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ग्रेवी हमने ज़्यादा थिक नहीं रखना है। टमाटर के पेस्ट और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। मसाले को तब तक भूनना जब तक टमाटर का पानी एकदम सूख न जाए। मसाले को हमें कम से कम 2-3 बार इसी तरह भूनना है जब तक पानी अच्छी तरह से सूख न जाए। मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब इसे हम चलाने के बाद अब इसमें हम पानी लगा लेंगे। अब पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसका ग्रेवी एकदम गाढ़ा नहीं रहना चाहिए। मसाले में पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसे ढककर तेज आंच पर पकाना है। हमने सालन को 5 मिनट तक तेज आंच पर पकाया है। अब इंडक्शन एकदम स्लो कर लेंगे। अब इसमें हम सारे पीस डालकर चला लेना है। अब सारे पीस डालकर इसे अच्छी तरह से चला लेना है। अब सालन को अच्छी तरह से चलाने के बाद इसे ढक देंगे और इसे धीमे आँच पर कम से कम 10 मिनट और पकाना है। 10 मिनट हो गए हैं, अब इंडक्शन को हम बंद कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद इसमें हरा धनिया डाल लेंगे। धनिया डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से चला लेना है। चने दाल की सब्जी बनकर तैयार है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।